शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबला। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट फाइनल में काली पट्टी बांधकर मैदान में क्यों उतरे खिलाड़ी। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। 7 जून यानी कल से लंदन के केनिंगटन ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला जा रहा है और इस दौरान भारत ने टॉस जीतकर कल पहले गेंदबाजी चुनी। वहीं इस फाइनल मुकाबले का पहला दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के नाम रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 327 रन बनाए, लेकिन आपको बताएं कि मैच के दौरान जिस चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो था दोनों टीमें जब मैदान पर उतरी तो खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान में दिखाई दी। न सिर्फ भारतीय टीम बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी काली पट्टी बांधकर ही मैदान पर उतरी थी। दरअसल फाइनल में दोनों टीमों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। आपको बताएं कि बीते दिनों ओडिशा में बड़ा रेल हादसा हुआ था, करीब 300 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बताएं कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंग्लैंड में होते हुए ओडिशा रेल हादसे के बारे में पता चला था तो उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया और मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। फाइनल में पहली गेंद फेंकी जाने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने 1 मिनट का मौन भी रखा और इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के खिलाड़ियों की आंखें नम थी। वहीं अगर बात हम मैच की करें तो कल का दिन तो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, लेकिन 4 दिन का खेल अब भी बाकी है। अब देखना ये होगा कि ये खिताब भारत या ऑस्ट्रेलिया किसके नाम होगा।